हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि पबजी मोबाइल बैन हो चुका है इंडिया के अंदर और इसको लगभग 2 दिन हो चुके हैं बैन हुए। तो यहाँ पे पबजी मोबाइल अभी अगर आप प्ले स्टोर में जाके सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे पबजी मोबाइल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि पबजी मोबाइल हटा दिया गया है प्ले स्टोर से। और अगर आप ऐप स्टोर में भी चले जाते हो और वहाँ पर भी सर्च करते हो पबजी मोबाइल, तो आपको पबजी मोबाइल वहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में जाके दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपने प्ले स्टोर में आ चुका हूँ और अभी मैं पबजी मोबाइल सर्च कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर पबजी मोबाइल लिखने के बाद ना यहाँ पर कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे पबजी मोबाइल हटा दी गई है। अगर मैं पबजी मोबाइल लाइट भी सर्च करता हूँ फिर भी मेरे को पबजी मोबाइल लाइट भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों गेमें हटा दी गई हैं और ये ऐप स्टोर से भी हटा दी गई हैं गाइस। तो यहाँ पे यही बड़ी न्यूज़ है कि पबजी मोबाइल अभी प्ले स्टोर से हट चुकी है। और यहाँ पे अभी आपके फ़ोन में चल रही होगी पबजी, यहाँ पे 1 से 2 घंटे में भी ये चल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे चल जाएगी, इसके बाद आपके फ़ोन में भी ये वर्क नहीं करेगी। तो इसका यही कह सकते हैं यहाँ पे पबजी मोबाइल की कुछ आखिरी सांसें बची हैं, कभी भी गवर्नमेंट इसकी सांसें खींच सकता है। गाइस सच बोलूँ तो मैंने 1 से 2 गेम ट्राई भी की पर मेरे को यार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया जो यार पबजी मोबाइल में मज़ा आता था। मतलब बेसिकली कहने का मतलब यही है कि पबजी मोबाइल बेस्ट था यार, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। या गाइस, अगर आप ये कह रहे हो कि पबजी मोबाइल अनबैन हो जाएगा तो यहाँ पे हाँ उसके चांसेस हैं अनबैन होने के, पर यहाँ पे चांसेस उसके 1 से 2 ही हैं। पहला चांस ये है कि अगर वो टेंसेंट से पार्टनरशिप अपनी ब्रेक कर लेता है तो फिर पबजी मोबाइल वापस आ सकता है, उसके चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। या तो फिर एक और चीज़ हो सकती है, जैसे कि आप सभी को पता है कि चाइना में पबजी मोबाइल बैन है, वहाँ पर उनका अलग वर्जन चलता है जिसका नाम है गेम ऑफ पीस। अगर यहाँ पर इंडिया में भी कुछ ऐसा चीज़ हो जाए तो फिर हो सकता है कि इंडिया में भी वापस आ जाए पबजी मोबाइल, पर उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यही करेंगे कि पबजी मोबाइल जल्द से जल्द अनबैन होकर वापस आ जाए। यहाँ पे अभी के लिए तो हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ ही हैं यार, आपको भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस।